फाइनली फाइनली हमारे बच्चों को स्कूल हो चुके हैं स्टार्ट। तो आज का जो व्यू है ना आपको मॉर्निंग को देखने का मिलेगा, मॉर्निंग का व्यू देखने को मिलेगा आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जो है ना मैं भी सुबह में उठ गई हूँ और छत पे आई हूँ। वैसे तो उठ जाती थी, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, रोज़ उठती थी लेकिन ऊपर नहीं आती थी। और जो है ना इस टाइम ऊपर नहीं आती थी, मैं थोड़ी देर से आती थी। मेरे हस्बैंड जब निकल रहे होते थे उसके लिए पानी वगैरह मुझे गर्म करना होता था तो ऊपर आती थी, क्योंकि गीज़र वगैरह तो अभी चल नहीं रही गैस था। और ये हमने कल जो कपड़े धोए थे वो भी पड़े हुए, तो अभी चाय वगैरह भी चढ़ा दिए। राहिला बना रही है बच्चों के लिए सैंडविच, तो ये कबाब बनवा के आए थे शादी से, टिकिया हमने खुद घर बना ली थी और यहाँ पे बन सैंडविच जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। अच्छा, तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हम आए थे बाहर, कुछ सब्जियां भी लेनी थी और बेकरी से बच्चों के लिए रस केक बिस्किट वगैरह लेने थे जो स्कूल के लिए बच्चों को सुबह में नाश्ते में देने होते हैं। तो फिर काम करते करते बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, उनको खाना वाना खिलाओ तो जो है ना टाइम का पता ही नहीं चलता होता। आधा किलो 400 रुपये के, 200 रुपये की और भी दे दें अलग से। बच्चों को जो है ना रस केक बिस्कुट वगैरह चाय के साथ बहुत पसंद है और सर्दियों में फिर इस तरह की चीज़ें खाने में अच्छी भी लगती होती है, वरना कभी कभी मैं पराठे भी दे देती हूँ, फिर कभी कभी रस केक और बिस्किट भी। एक ही चीज़ से बंदा बोर हो जाता है, तो मैं अगर जो है ना एक दो दिन को रस केक खिला लिए, फिर कभी पराठे बना दिए, कभी ब्रेड के साथ अंडे जो है फ्राई कर दिए। तो यहाँ पे बच्चों के लिए डोनट भी लेकर आई थी खाने के लिए। इस तरह अलग अलग चीज़ें देनी चाहिए ना बच्चों को नाश्ते में, तो पेट भर के नाश्ता भी कर लेते हैं, वरना सुबह का टाइम होता है ना तो बच्चों से भी चीज़ें नहीं खाई जाती, नाश्ता नहीं होता। इस तरह मोबाइल अगर पकड़ लो ना फिर आप चाहे व्लॉग ना भी बनाए ना तो भी आप लोग गलत भी हो गई है कि आप कभी व्लॉग नहीं भी बना रहे होते ना तो नॉर्मल भी ऐसे ही शूट करते हैं। पता नहीं क्यों इस तरह कैमरा पकड़ने की आदत हो गई है हमें। बेकरी से चीज़ें लेकर पहुंचने वाले हैं घर। अभी जो है ना सब्जियाँ लेकर आए हैं, टमाटर मिर्चें मटर नींबू ये सारे, खीरे धनिया और ये चिकन और ये गाजर, ये हरी सब्जियां हैं। बाकी जो है ना प्याज लहसुन अदरक और जो होता है ना आलू वगैरह मैंने ऊपर रख दिया है, तो ये हफ्ते की सब्जियां चल जाती है मेरी, बीच में अगर कुछ कम पड़ जाती है तो मंगा लेती हूँ, वरना मैं हफ्ते तक जो है ना ये टमाटर धनिया जो है ना बहुत यूज़ होते हैं। बाकी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो हफ्ते तक चल जाती हैं और फिर नेक्स्ट मंडे को फिर जो है ना मैं सब्जियाँ लेकर इनको जो है ना अभी अगली सब्जियाँ होती हैं। बस अब इस टॉयल नहीं मारो। अच्छा, तो मटर हम जो है ना अभी करके रख देंगे फ्रीज, सारी सब्जियां जो है ना इस तरह वीकली ग्रोसरी, हमारी वीकली ग्रोसरी क्योंकि ये छिलकों समेत बहुत ज़्यादा फ्रीज कर लेंगे हम। अब ये चिकन भी धो के रख दिया है और जो है मटर भी साफ हो गए, इनको भी फ्रीज कर देंगे हम और इनको भी फ्रीज कर लेंगे। विटामिन ए पी रही हूँ अभी मैं दिखाती हूँ आपको विटामिन ए, ये देखो। अभी ये कप किसी के ऊपर गिर जाए तो फेंकेंगे नीचे से फिर दोबारा मुझे मारेंगे। आसानी तो बहुत हो जाती है चीज़ें अगर आप एक साथ ले आओ ना, तो टेंशन नहीं होती कि हमें क्या बनाना चाहिए, सब कुछ फ्रिज में पड़ा होता है ना तो निकालो और बना लो। लेकिन मुश्किल ये लगता है जब आपको निकलना पड़ता है लेने के लिए, सोच सोच के भी अभी जाएंगे लेकर आए सारी चीज़ें, उसके बाद साफ़ करके अच्छी तरह चिकन को वॉश किया काटा, फिर उनको जो है फ्रीज किया, फिर सारी सब्जियों को अलग अलग करके थोड़ा सा ड्राई कर लेते, पानी पानी होती है ना, उसके बाद फिर उनको काटा थोड़ा सा, फिर उनको ऑर्गेनाइज कर दिया। तो मतलब मेहनत तो लगती है लेकिन उसके लिए यह है कि 3-4 दिन के लिए, कभी हफ्ता भी चल जाती है, कभी 4-5 दिन चल जाती हैं सारी चीज़ें, तो ये होता है कि कुछ दिनों के लिए आसानी जाती है मुझे। वरना फिर आप अगर शॉप से मंगाए ना तो धनिया मिर्चे मंगा ली, प्याज रह गया, लहसुन मंगा लिया तो अदरक रह गया, बच्चे कुछ ना कुछ भूल के आ जाते हैं। तो ऐसे अगर लेकर आ जाती हूँ ना तो फिर सारी चीजें फ्रिज में ऑर्गेनाइज होती हैं, तो मुझे जो है ना मंगाने में भी मुश्किल नहीं होता और फिर जो है ना खाना बनाना बहुत ईजिली हो जाता है आपके लिए। तो अच्छा है अपने काम जो है ना खुद करने चाहिए, मर्दों के आसरे पे नहीं लग सकते क्योंकि मर्दों को भी बहुत बाहर के काम होते हैं, तो जो है ना खाना पकाना किचन को देखना हम औरतों का
भी काम होता है तो अच्छा है टाइम से निकल के अपनी चीज़ें ले आते हैं और फिर ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं ताकि हमें आसानी हो। अच्छी बात है, सारे काम मर्दों पे नहीं छोड़ सकते, कुछ काम हमें अपने कंधों पे भी रखने चाहिए क्योंकि मर्दों को बाहर की भी बहुत सारी टेंशन होती है। लेकिन हाँ, एक ये भी बात है कि मर्दों से आप जो है ना ये सारी चीज़ें अगर अपने आप पर डाल दें तो मर्द भी बड़े आज़ाद हो जाते हैं और फिर उनकी आदत भी ख़राब हो जाती है, फिर उनको बिल्कुल भी आदत नहीं रहती चीज़ें करने की। क्योंकि देखे ना, ये चीज़ मेरे साथ है, मैंने अपने हस्बैंड को शुरू से इन चीज़ों का बोला ही नहीं है, उसको बहुत इरिटेशन होती है इन चीज़ों से क्योंकि उसने कभी किया ही नहीं है ना, तो ये चीज़ भी है। अच्छा, तो रायला ने खाने में बनाई थी बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार बनाई है। देखिए ना, एक बार चीज़ आपसे ख़राब हो जाती है, दूसरी बात बार हो जाती है, फिर आपको बनाते बनाते ना चीज़ों की खानों की आदत हो जाती है। तुम मेरे घर पे जितने मेहमान आते हैं या मेरे रिलेटिव हैं या जो भी मेरे हैं तो मुझे कहते हैं रायला क्यों करती है, आपको नहीं आता। तो देखिए ना, ये जो बच्चियों की एज होती है ना, तो उनसे आप ऐसे काम करवाएं कि उनको जाके आगे काम आए। झाड़ू पोछे तो हर कोई कर लेता है, तो मैं जो मेरी एज थी ना, तो मैंने अपनी एज में कुकिंग इतना नहीं की, मैंने घर के काम ज़्यादा किए, तो इस वजह से भी मुझे कुकिंग बहुत ही लेट आई थी। बनाना आती तो थी लेकिन बहुत ही लेट। अभी मेरी बहन करती है, मैं भी जो बनाऊँ तो बहुत अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन फिर अब मैं ये सोचती हूँ कि अभी इसके लिए, रायला के लिए अच्छा है ये सारी चीज़ें सीख जाए वक्त पर ताकि आगे जाके इसको मुश्किल ना हो। जूस गाजर का फ्रेश फ्रेश ऑरेंज हमने काट ली है यहाँ पे, और ये गाजर बच्चे जो है ना गाजर और ऑरेंज का पी लेते हैं साथ, लेकिन चुकंदर हम मिक्स करेंगे अपने लिए। बच्चे चुकंदर जो ऐड करो ना तो नहीं पीते, बड़ी मेहनत होती है, हमारे हाथ दुख रहे हैं अभी। अब ये बच्चों के लिए निकालते हैं, उसके बाद जो है ना अपने लिए फिर ये मिक्स बनाए कि सर्दियों में ना गाजर का जूस बहुत अच्छा है। और ये बताना मुझे चुकंदर डाल दिया हमने, कहा चलो टेस्ट आ जाएगा। और अब इसमें जो है ना ये वाला नमक ऐड करते हैं, एक टेस्ट अच्छा आ जाता है। सही है, ये किस किस को खाना है? कितने खूबसूरत कलर है, वैसे मुंह पे मास्क लगा दो, वैसे यार अच्छा होगा मास्क, पता है। चुकंदर, चुछुंदर, गाजर, कितने खूबसूरत कलर है, जल्दी से पियो, रिव्यू दो मुझे इतनी मेहनत का। बहुत ही अच्छा है वेजिटेबल। कौन सा टेस्ट आ रहा है? जैसे चुकंदर का ही आ रहा है और हल्का सा खट्टा, बस ऑरेंज। इतना सा चुकंदर डालो, इतनी सारी ऑरेंज डालो, टेस्ट और कलर सारा चुकंदर का है। खुशबू भी सी, टेस्ट भी ज्यादा सी, और ताकत भी सबसे ज्यादा इसी में। सानिया जी बताओ, ये तो बहुत ही अच्छा है, सच में पसंद है। हाँ, और भी डाल देना, अच्छा है, सही टिक्के भी ठीक है। ये बग्गी मुझे बहुत पसंद है, सच में। अच्छा, इसकी हाँ। और भी डाल दूंगी, अभी मैंने थोड़ा दिया था सानिया को, मैंने कहा पहले टेस्ट कर लो, आधा बचा लेती हूँ। आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में, और ये चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।